जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी हम डेली शाम को 7 बजे ESIC में जो भी पिछले वर्षों में MCQ पूछे गए हैं उनको करेंगे, और जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको हर रोज शाम को 7 बजे YouTube पे आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी पहली जो क्लास है वो यहाँ पर चल चुकी है। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, इसरो फार्मासिस्ट हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन का हो गया, एम्स का हो गया, या फिर जो भी आपके स्टेट में राज्यों में फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होते रहते हैं, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एम्स फार्मासिस्ट का बैच है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास देखने को मिलेगा, नोट्स देखने को मिलेगा, PDF आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको MCQ टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को जो है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और देखिए, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे 5000 से भी अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड की गई है। उसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में आपको 120 वीडियो देखने को मिलेगी। उसमें कंप्लीट जो है वो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया गया है सभी सब्जेक्ट्स का, जो कि आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जैसे कि आपका आपका फार्माकोलॉजी हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, आपका फार्मास्यूटिक्स हो गया, आपका फार्माकोलॉजी हो गया, तो सभी सब्जेक्ट्स के जो है वो MCQ कराए गए हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस प्ले लिस्ट को आपको प्ले कर लेना है। उसमें आपको 120 से भी जो है वो आपको अधिक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप उन MCQ को भी जो है वो आप जरूर से प्रिपेयर किया करें, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को हमने कल हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, और आज जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वहाँ से जो है आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन कराया गया है, साथ में जो भी आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको भी तैयार करते रहें, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जहाँ आपसे कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था कि हेट्रो एटम क्या होते हैं, और जो आपका फिनोथाई एजिन रिंग होता है इसमें कौन कौन से हेट्रो एटम्स पाए जाते हैं। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जो है ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपको सल्फर देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, जो कि आपके हेट्रो एटम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ऑफ ओवरीज इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब यहाँ पे फीमेल में जो है, ठीक है, फीमेल में अंडाशय को जो है वो यहाँ पर सर्जरी के माध्यम से हटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट जो है एक क्वेश्चन जो है वो आपका नीट एग्जामिनेशन में भी जो है आज से 2 से 3 साल पहले जो है वो पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था कि हिस्टीरेक्टोमी क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया पिछले, ये आपका 2 से 3 साल पहले जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जहां भी आपको वर्ड देखने को मिल जाए, एक्टोमी वर्ड देखने को मिल जाए, जहां भी आपको एक्टोमी वर्ड देखने को मिल जाए, समझिए कि वहां पे किसी बॉडी पार्ट को जो है वो यहां पे सर्जरी के प्रोसेस से उसको हटाया गया है, ठीक है। तो यहां दिया गया उफ्रोक्टोमी का मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन या फिर बोथ ओवरीज, ठीक है। तो आपको जो है वो यहाँ पर दो अंडाशय जो है वो यहाँ पर फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, तो इनमें से जो है किसी एक को या फिर दोनों को जो है जब यहाँ पर सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं ओफ्रेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। और आपका वैसेक्टोमी क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मेल्स होते हैं, इनके वास डिफरेंस में जो है वो यहाँ पर कट लगाया जाता है, यहाँ पर कट लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है वो यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी जो है वो यहाँ पर फीमेल्स में किया जाता है, और इस कंडीशन में जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में जो है वो यहाँ पर कट लगाया जाता है, जो कि आपका मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और दिया गया है सेल्पिंग सेल्पिंगजेक्टोमी दिया गया, तो ये आपका सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, तो इसमें जो है वो फैलोपियन ट्यूब को जो है वो यहाँ पर सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका वैसेक्टोमी होगा नहीं, कोलोस्टोमी होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि अंडाशय को हटाने की प्रक्रिया को जो है ओफ्रेक्टोमी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को भी जो है वो आप यहां पर तैयार कर लेंगे।
चलिए जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें से जो है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिमेटिडिन जो होता है आपका H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं इनको पेशेंट को कब दिया जाता है, जब हमें यहाँ पर एसिड का सिक्रीशन कम करना है, उसके पेट में जो है वो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो आपका स्टोमक एसिड है उसके सिक्रीशन को कम करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फेमोटिडीन हो गया, सेमेटिडीन हो गया, आपका यहाँ पर दिया गया निजेटिडीन हो गया, और साथ में रैनिटिडीन जो है आपका H2 ब्लॉकर एंटागोनिस्ट होता है। उसके बाद एक आपका H1 एंटागोनिस्ट होता है, तो H1 एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसमें आपका साइक्लिजिन हो गया, और इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर उल्टी वगैरह को जो है वो रोकने में किया जाता है। साथ में दिया गया लुपरामाइड जो कि आपका इसका जो यूज है वो यहाँ पर डायरिया के ट्रीटमेंट में होता है, और दिया गया है प्रोपॉक्सीफिन दिया गया जो कि आपका एक ओपियोइड एनल्जेसिक होता है। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर के एग्जांपल हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेटिडिन जो है वो हमारा H2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं, हीमोस्टैटिक फॉर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। ठीक है, ये आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से नहीं है, ये आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से है। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टरी फॉर्सेप्स। इसको हीमोस्टैटिक फॉर्सेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका इस्तेमाल है वो ब्लीडिंग को रोकने में किया जाता है। ठीक है, इसका जो यूज है वो ब्लीडिंग को रोकने में किया जाता है, तो जब भी यहाँ पर सर्जरी वगैरह होती है उस समय जो है इसी चिमटी की मदद से जो है वो यहाँ पर ब्लड वेजल्स को प्रेस किया जाता है और यहाँ पर ब्लीडिंग को रोका जाता है। तो इसको आर्टेरियल फॉर्सेप्स या फिर इसको हीमोस्टैटिक क्लैंप्स भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपका है, ये आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, और इसको कहा जाता है स्वैब होल्डिंग फॉर्सेप्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्वैब वगैरह होता है जिसमें कि यहाँ पर सैंपल वगैरह लिया जाता है उसको जो है वो यहाँ पर होल्ड करने के लिए जो है इस वाले चिमटी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसको कि हम स्वैब होल्डिंग फॉर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, तो हीमोस्टैटिक फॉर्सेप्स किसे कहते हैं, आर्टरी फॉर्सेप्स को हम कहते हैं, और इसका जो यूज है वो ब्लीडिंग वगैरह को रोकने में किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको 120 वीडियो का जो लिंक है वो मैंने आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इन सभी वीडियो को जरूर से देखें। आप यहाँ पर यकीन माने कि 50-60% जो क्वेश्चन है वो आपके इजी लेवल के आते हैं, और इन सभी वीडियो को देख के आप अपनी 50% जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें आप जाइए, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये आपका एलर्जी जो होता है इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में जो है वो आपका क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें से एनाफाइलेक्टिक एलर्जी जो है वो यहाँ पर किस टाइप में आता है। ठीक है, तो एनाफाइलेक्टिक एलर्जी निम्न में से किस प्रकार की अति संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पर एलर्जी क्यों होती है, जो हमारा यहाँ पर इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जब एक्टिव हो जाता है उसी कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी कहते हैं या फिर हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो शामिल होता है एलर्जिक रिएक्शन में। ये आपके टाइप 1 टाइप के, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 टाइप के होते हैं। जो आपका टाइप 1 होता है आपका एनाफाइलेक्टिक होता है, और इसमें IgE जो है वो शामिल रहता है। जो आपका टाइप 2 है इसमें आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ई और एम शामिल होता है। जो आपका टाइप 3 है ये आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड होता है, और जो आपका टाइप 4 है ये आपका सेल मेडिएटेड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइप 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एटोपसॉइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी से पूछा गया है कि एटोपसॉइड जो होता है वो किससे मिलता है, प्लांट के टर्पिन से मिलता है, टाइनिन से मिलता है, एल्कोलॉइड से मिलता है या फिर ग्लाइकोसाइड से मिलता है। तो ये हमें प्लांट्स के एल्कोलॉइड से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, एटोपसॉइड क्या है, ये आपका एक है, ये आपका होता है एल्कोलॉइड होता है, और ये पाया जाता है अमेरिकन पे एप्पल में जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। ये आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा,
और आपका दिया गया कि अल्कलॉइड क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे, और इनके अंदर नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, और इनके अंदर आपको रिंग स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, और ये केवल हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। अल्कलॉइड का सोर्स क्या है, वो आपका प्लांट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व हमने कर लिया है। चलिए तो एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी, ठीक है, एक फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ लैटरल थिंकिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है वो यहाँ पर दूसरी चीज़ों के बारे में न सोच सके, तो ये भी आपका जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नॉट अप्रोचेबल, उसके पास नहीं जाया जा सके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनअवेलेबल यानी कि अनउपलब्ध, ये भी नहीं होगा, मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। तो एक फार्मेसी प्रोफेशनल को जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, कहने का मतलब ये कि उसको जो है वो यहाँ पर चीज़ों को देखना चाहिए, मरीजों को जो है वो यहाँ पर देखना चाहिए कौन कौन से उसके यहाँ पर साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई यहाँ पर मेडिसिन आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर फार्मासिस्ट है उसको सभी चीज़ों पर जो है वो यहाँ पर नजर रखना चाहिए मेडिकल फील्ड्स के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एंडोथीलियम इज द स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विथ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो जो आपके यहाँ पर इंडोथीलियम होता है, ये स्क्वैमस एपिथीलियम जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है या फिर किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सही आंसर है वो है लिम्फ वेजल, यानी कि देखिए जो भी आपके ब्लड वेजल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स होते हैं, रक्त की धमनियाँ होती हैं, उनमें जो है ये चीज़ पाई जाती है, एंडोथीलियम जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एंडोथीलियम क्या होता है, यहाँ पर वर्ड दिया गया, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है जो चीज़ अंदर होती है, ठीक है। इज ए टाइप ऑफ एपिथीलियम दैट लाइंस द इंटीरियर का मतलब क्या होता है, आंतरिक, सरफेस का मतलब क्या होता है, पृष्ठ, ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टरी दिख रही है और यहाँ पे आपको वेन्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको वेन्स दिख रहा है। तो जो आपके यहाँ पर आर्टरी होती है ये क्या करती है कि जो आपके यहाँ पर हार्ट है, हार्ट जो है वो यहाँ पर ब्लड को दूर ले आने का काम करती है, और जो आपका वेन है ये जो है वो यहाँ पर ब्लड को हार्ट के पास में जो है वो यहाँ पर लाने का काम करता है। और वॉल्व किस में पाया जाता है, जो आपके यहाँ पर वॉल्व है वो केवल वेन्स में पाया जाता है, और ये ये ब्लड के जो है वो यहाँ पर बैक फ्लो को जो है वो यहाँ पर रोकने का काम करता है। अब इनकी कौन कौन सी यहाँ पर तीन लेयर होती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला लेयर है ट्यूनिका एडवेंटेटिया, ठीक है, ये आपका सबसे बाहर होता है। उसके बाद यहाँ पर बीच वाला लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे यहाँ पर अंदर वाला जो यहाँ पर लेयर है वो होता है एंडोथीलियम होता है, जिसको कि हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लेयर का भी जो आपको नाम है वो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि कैप्टोप्रिल क्या है। तो कैप्टोप्रिल आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, ऐसे पेशेंट जिनको कि हाइपरटेंशन है, बीपी है, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो इसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर भी कहते हैं, इसको हम एस इनहिबिटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग्स इसमें आते हैं, तो देखिए जो भी ड्रग्स ऐसी ड्रग हैं जिनके कि नेम के एंड में प्रिल आता है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा PRIL, ठीक है, PRIL, तो इसका मतलब जो है वो आपका क्या है, वो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर है। उसके यहाँ पर नाम दिए गए, बेंजाप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, आपका इनेलाप्रिल हो गया, आपका यहाँ पर रैमिप्रिल हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपका इसरो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी जो है वो पूछा गया है कि जो आपके यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर होते हैं ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, ये चीज़ जो है वो इसरो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछी गई है 2021 में, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिक से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है, तो सभी डोजेज फॉर्म है जो कि खुद से जो है वो यहाँ पर अल्कोहल बनाता है, मतलब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर खुद से जो है वो यहाँ पर शराब बन जाती है, ठीक है। तो दिया गया अश्व दिया गया, गुटिका दिया गया, लेह दिया गया और घृत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अश्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ पर अश्व होता है इसमें जो है वो यहाँ पर फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन करना, किसी चीज को सड़ाना, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पर शराब वगैरह बनती है इनको जो है वो यहाँ पर अनाजों को जो है वो यहाँ पर सड़ा कर जो है
वो यहाँ पर आपके शराब जो होता है, ठीक है, वाइन होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अश्व क्या है, इसके अंदर जो होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर हर्बल जूस होते हैं उनका जो है वो यहाँ पर फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे क्या होता है कि उसके अंदर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये है आपका गुटिका है, इसको हम गुटिका कहते हैं। ये आपका आयुर्वेदिक सॉलिड डोजेज फॉर्म है और ये आपने चंपरास आपने देखा होगा, आपने चंपरास देखा होगा, इसी को जो है वो हम लेह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विस्कस जो है वो ये आपका डोजेज फॉर्म होता है, ये थोड़ा सा क्या नाम गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने निकाल लिया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए इज सिंथिसाइज इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ से आपको एक और आपको यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया कि जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये कहाँ बनता है, तो ये हमारे सेल के केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में जो है वो बनता है। ठीक है, ये हमारे सेल के कहाँ बनता है, केंद्रक में बनता है। ठीक है, तो एम आर एन ए इज सिंथिसाइज इन द न्यूक्लियस एस, तो इसका सिंथेसिस जो है वो किस रूप में होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सिंथेसिस है वो आपका एच एन आर एन ए के रूप में होता है। ठीक है, इसको कि हम हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा गया वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारी सेल है और इसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म हमने बना दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कमरा है। ठीक है, ये आपका घर है और ये आपके घर का पूरा जो है वो यहाँ पर फ्लोर एरिया है। ठीक है, ये आपके घर का पूरा फ्लोर एरिया है, इसी को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो किसी भी कोशिका के अंदर जो भी इसका यहाँ पर फ्लोर है, फर्श है, ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है और इसी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनली पड़े रहते हैं। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में जो है वो यहाँ पर बीच में आपको केंद्रक देखने को मिल जाएगा और इसको जो है हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपके घर का फर्श हो गया। ठीक है, ये आपके घर का फर्श हो गया और ये आपके घर की दीवार हो गई, जिसको कि हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर माइटोकांड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सभी जो जो है वो यहाँ पर आपके साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर केंद्रक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है और यहीं पे जो है वो आपका मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर केंद्रक के अंदर बनता है, क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है और जब यहाँ पर बन जाता है इसके बाद जो है वो यहाँ पर केंद्रक से बाहर निकल के जो है वो आपका इस साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो है जो आपको यहाँ पर फ्लोर एरिया दिख रहा है वहाँ जो है ये यहाँ पर चला आता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मतलब जो आपके यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं उन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को जो है वो हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए इज सिंथिसाइज इन द न्यूक्लियस एस एचएनआरएनए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कैनामाइसिन दिया गया। तो सबसे पहले जो है वो हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स व एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके कि नेम के एंड में क्या आता है, थ्रोमाइसिन आता है। यहाँ भी आपको थ्रोमाइसिन देखने को मिल रहा है, थ्रोमाइसिन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं एमटी के रूप में, एमटी मैक्रोलाइड और इसमें आ जाएगा, इसमें आपको थ्रोमाइसिन देखने को मिल जाएगा। और एक आपके होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या है कि इसमें भी जो है वो आपको केवल सिन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको केवल जो है आपको सिन देखने को मिलेगा, CIN, नियोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया और आपका यहाँ पर एमिकासिन हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं, स्ट्रेप्टोमायोसिन हो गया। ठीक है, तो थ्रोमाइसिन वाले जो होते हैं वो आपके मैक्रोलाइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि द इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 6 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड। तो अगर कोई मरीज एक साथ में 4 से लेकर 10 दवाओं को एक साथ ले रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉलीफॉर्मेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि पीलोकार्पिन इज एन एल्कोलॉइड कंटेनिंग। तो पीलोकार्पिन जो है ये आपका फार्माकोग्नोसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो है इसके अंदर कौन सा रिंग पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इमिडाजोल रिंग जो है वो पाया जाता है।
इमिडाजोल रिंग जो है वो आपका पीलो कार्पिन में पाया जाता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर हेट्रो एटम के रूप में आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। टोटल जो है दो नाइट्रोजन हमें पीलो कार्पिन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्मेड। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है यहाँ पर रोगी है, पेशेंट है, और वो यहाँ पर दवाओं को ले रहा है, तो वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेडिसिन को ले रहा है जो है उसको जो है वो यहाँ पर समय समय पे जो है उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसी को हम मेडिकेशन रिव्यू कहते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एक रोगी की दवा का संरचित मूल्यांकन जो है उसे हम मेडिकेशन रिव्यू कहते हैं, यानी कि दवाइयों का मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर जामुन वगैरह होते हैं इनके अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो इसमें जो है वो आपका एलाजिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो लिखा गया है कि बेरीज आर ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो दिया गया, एंथोसाइनिन हो गया, एलाजिक एसिड हो गया और रिजवेरात्रोल हो गया, ठीक है, रिजवेरात्रोल दिया गया है, रिजवेरात्रोल जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये सभी जो है वो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जामुन वगैरह में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ये जो आपका यहाँ पर क्रूड ड्रग है ये आपका फार्माकोग्नोसी में नहीं दिया गया है, तो कभी कभी जो है वो यहाँ पर कभी कभी जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस भी जो है वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा कौन सा यहाँ पर यूटीआई एंटीबायोटिक है या फिर कहें कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि आपका क्विनोलोन कंटेनिंग होता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्विनोलोन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। निम्नलिखित में से कौन सा क्विनोलोन युक्त मूत्र पथ संक्रामक रोधी एजेंट्स है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, इसमें आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, लिवोफ्लोक्सासिन हो गया, नोरफ्लोक्सासिन हो गया, ऑफ्लोक्सासिन हो गया और गेटिफ्लोक्सासिन हो गया, ठीक है। और दिया गया इनरोफ्लोक्सासिन जो है इसका जो इस्तेमाल है वो एनिमल्स में किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर मिल गया सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो आपका क्विनोलोन कंटेनिंग यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एस वन ऑफ द लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर लेबोरेटरी है जहाँ पे कि आपका पोलियो वैक्सीन का जो है वो उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कन्नूर, ठीक है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो लिखा गया कि पास्चर इसको हम शॉर्ट में कहेंगे PII, ठीक है, PII कोनूर इज वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, आपका DPT वैक्सीन हो गया और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसको हम EPI कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो भी यहाँ पर प्रतिरक्षाकरण वाले प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वैक्सीन का उत्पादन का जो काम है वो हमारा करता है पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पर लेबोरेटरी है जो कि यहाँ पर वैक्सीन बनाने का जो काम है वो हमारी इंडिया में ये करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि द कंडीशन ऑफ वेट लॉस, वजन कम होता है एंड मसल एट्रोफी का मतलब होता है कि मसल्स का जो है वो खत्म होना, उनका क्षय होना, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अपने अपने लास्ट स्टेज पे जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज जो कि लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, फीवर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। तो देखिए इसी को कहा जाता है, इसी को जो है वो यहाँ पर कैचिक्सिया कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया कि निम्नलिखित में से कुपोषण की स्थिति है तो वो है आपका कैकिक्सिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ए जनरल स्टेट ऑफ इल हेल्थ, यानी कि इसमें जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इसमें वेट लॉस होने लगता है, यानी कि जो आपका वजन है वो यहाँ पर गिरने लगता है
और मसल्स लॉस जो है वो यहाँ पर होने लगता है और इसको वास्टिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेज में जो है वो आप यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर व्यक्ति है ये पहले बिल्कुल हेल्दी था, ठीक है, हेल्दी था, हट्टा कट्टा था, और बाद में जो है इसका यहाँ पर वजन कम हो गया है और इसका मसल्स जो है वो भी यहाँ पर कम हो गया, यानी कि जो है वो यहाँ पर मसल्स लॉस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो यहाँ पर कुपोषण की स्थिति है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स इनहिबिटर इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है आपका एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड जो होता है ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है और ये जो है वो यहाँ पर डायूरेटिक मेडिसिन के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पेशेंट में जिनको कि हार्ट डिजीज होता है और उनका शरीर जो है वो फूल गया होता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम्पीट का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता करना। ठीक है, कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे कि ये हमारा एंजाइम्स है और यहाँ पर इसका एक्टिव साइट दिया गया है। ठीक है, इस एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए जो है वो यहाँ पर कंपटीशन चलता है कि सबसे पहले जो है वो कौन जाके बाइंड करेगा, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। और एक आपका होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स एट साइट डिस्टिंक्ट, का मतलब क्या होता है अलग। ठीक है, दूसरे साइट पे जो है वो ये जाके जो है वो यहाँ पे बाइंड कर जाता है, तो इसे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि द प्राइस दैट इज इक्वेटेड का मतलब क्या होता है, बराबर मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। तो जब यहाँ पर मार्केट सप्लाई और यहाँ पर मार्केट डिमांड का जो प्राइस है वो यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पर बराबर हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो लिखा गया कि वह कीमत जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की मांग उस कीमत पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या के बराबर होती है। इस कीमत पर आपूर्ति और जो आपके मांग होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो डिमांड फॉर ए गुड बाई कंज्यूमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्राइस को हम कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उत्पादन और जो यहाँ पर मांग है वो दोनों यहाँ पर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया फार्माकोग्नोसिस कि मिर्रा में जो है वो क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर जो है वो गम पाया जाता है क्योंकि ये आपका ओलियोगम रेजिन होता है। ये आपका ओलियोगम रेजिन है और इसके यहाँ पर बॉटनिकल सोर्स की बात करें तो ये मिलता है हमें स्टेम से, मिलता है तना से, मिलता है कॉमीफोरा मोलमोल, इसके यहाँ पर बॉटनिकल नेम है, फैमिली इसकी ब्रूसीरोसी दी गई है और ये आपका ओलियोगम रेजिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि ये जो है इसके अंदर गम पाया जाता है, यानी कि गूंद पाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि अस्पताल की वह समिति जो दवा के समग्र देखभाल के लिए जिम्मेदार है उसे WHO द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से। तो देखिए हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो है वो आपको फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि हम ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी कहते हैं। एक आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी यानी कि PTC होता है, PTC का फुल फॉर्म हो गया, या आपका DTC का फुल फॉर्म हो गया और ये आपका ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी कि DIC का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। द कमिटी फॉर्मेट इन हॉस्पिटल सेटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इज टर्मेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस, तो इसको हम DTC कहते हैं, ड्रग थेराप्यूटिक कमिटी कहते हैं। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन जो है वो आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, तो इसका जो है वो यहाँ पर एक्टिव मेटाबोलाइट कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेसीप्रामिन जो होता है वो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है इमीप्रामिन का। ठीक है, तो डेसीप्रामिन जो है वो आपका यहाँ पर मेटाबोलाइट होता है किसका, इमीप्रामिन का, और इसका यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनका यहाँ पर लेवल है उसको बढ़ा देता है और इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर व्यक्ति है इंडिविजुअल है वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है, डिप्रेशन से जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है,
तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया कि सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो यहाँ पर लेवल है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इज हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो प्रोटीन और डीएनए के कॉम्प्लेक्स को जो है वो यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्रोमेटीन कहते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन जो है जब यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर सेल्स होती हैं जब ये वायरस से इन्फेक्ट होती हैं तो उस समय जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्या निकलता है, इंटरफेरॉन निकलता है। ये दिया गया डिस्ट्रोफिन जो है ये जीन्स होती है, ये आपकी जीन्स होती है। ठीक है, और दिया गया ट्रांसफेरिन ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वहाँ पर दी गई है। तो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम क्रोमेटीन कहते हैं। तो क्रोमेटीन क्या होता है, ये आपका मिक्सचर होता है किसका, डीएनए और प्रोटीन का, जो कि क्रोमोसोम्स को बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम को बनने में जो है ये यहाँ पर हेल्पफुल होता है। क्रोमोसोम बनता है किससे, बनता है क्रोमेटीन से बनता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ठीक है, तो भारतीय फार्मेसी पेशे का जनक किसको कहते हैं, तो हम डॉक्टर एम एल श्रॉफ को जो है वो हम यहाँ पे भारतीय फार्मेसी पेशे का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कॉज्ड बाय 1% चेंज इन प्राइस इज नोन एज, मूल्य में 1% परिवर्तन के कारण होने वाली मात्रा में प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वे ये क्वेश्चन वैसे आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो लिखा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका शेड्यूल से पूछा गया है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की जो आपका शेड्यूल एस है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल से पूछा गया है, तो लिखा गया है शेड्यूल एस जो है वो आपके यहाँ पर रिलेटेड है किसके साथ में, कॉस्मेटिक के साथ में, और शेड्यूल टी जो है वो आपके यहाँ पर रिलेटेड है रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये शेड्यूल एस जो है वो आपका यहाँ पर कॉस्मेटिक से, ठीक है, कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड से जो है वो यहाँ पर संबंधित है। चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायरॉयड ड्रग, तो मेथिमाजोल जो होता है ये आपका एंटी थायरॉयड ड्रग होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है प्रोपाइल थायोयुरेसिल, ये आपका क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर रोग है, डिजीज है, जिसको कि भारत से जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो यहाँ पर इसको मुक्त कर दिया गया है। द डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। तो भारत के अंदर इस समय स्मॉल पॉक्स के जो केसेज हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया को जो है वो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक से जो है वहाँ पर फ्री घोषित कर दिया गया था 1979 में, और चेचक जो है वो यहाँ पर किससे होता है, ये होता है वेरियोला वायरस से। ठीक है, वेरियोला वायरस से जो है वो आपका चेचक होता है, तो इंडिया को जो है उस समय चेचक मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया था 1979 में। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको जो है वो हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, और ये आपको अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो विल्म्स ट्यूमर जो है ये आपका यहाँ पर किडनी का कैंसर होता है जो कि आपको यहाँ पर बच्चों में देखने को मिलता है, और इसको नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है बच्चों में जो कि यहाँ पर किडनी को जो है वो प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको जो है वो नेफ्रोब्लास्टोमा कहा जाता है। तो विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कुर्ची क्या है। ठीक है, कुर्ची आपका क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुर्ची का जो है वो यहाँ पर बॉटनिकल सोर्स दिया गया, ये हमें यहाँ पर तनों से मिलता है, स्टेम बार्क से मिलता है, और इसके यहाँ पर फैमिली दी गई है एपोसाइनेसी फैमिली से आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमें स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड देखने को मिलता है जो कि है कॉनिसिन नाम का है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड ये होता है, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर मैंने निकाल लिया है। तो ये आपका फार्माकोग्नोसिस जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं,
तो ये क्वेश्चन लगता है कि जो है यहाँ पर जीके का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक तरह का जो है वो यहाँ पर संस्था है जो कि आपको यूएसए में देखने को मिलती है, अमेरिका में जो है ये संस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वहां पर इस समय मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो है यहाँ पर इंडिकेट करने का काम करता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक्स इंडेक्स जो है वो आपका यहाँ पर यूएस में जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वहां की जो है ये आपके यहाँ पर संस्था है। और ये जो है वो यहाँ पर बहुत सारा जो है वो यहाँ पर डेटा जो है इसको यहाँ पर एकत्र करके और उसका एनालिसिस करने का जो है वो यहाँ पे काम करती है, जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बेरोजगारी कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर कितना क्लेम हो रहा है, ठीक है। और जो भी आपके यहाँ पर कंपनी है इनको कौन कौन सा जो है वो आपके यहाँ पर इनको नए नए जो है वो यहाँ पर ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये संस्था काम करती है, इनका जो है वो यहाँ पर डेटा को इकट्ठा करती है। जैसे कि हमारे इंडिया में एक संस्था जिसका नाम फिक्की है, तो ये आपका कॉमर्स से और आपका बिजनेस से जो है वो आपके यहाँ पर संबंधित जो है ये आपकी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर देखती हैं कि इस समय देश में आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है देश की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज इज टर्मेड एज, ठीक है। देखिए अगर कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है जिसका कि यहाँ पर बेबी होने वाला है वो अगर यहाँ पर ऐसी ड्रग लेती है जो कि यहाँ पर टेराटोजेनेसिटी होती है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है थालीडोमाइड। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, ठीक है। तो ये गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को जो है वो यहाँ पर ये विकलांग कर देते हैं, ये ऐसी ड्रग होती हैं, इनको हम कहते हैं टेराटोजेनेसिटी ड्रग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कार्सिनोजेनेसिटी, इनसे क्या होता है, इनसे कैंसर हो जाता है। यहाँ दिया गया पैथोजेनेसिटी, इनसे इन्फेक्शन हो जाता है। और यहाँ दिया गया म्यूटाजेनेसिटी, ये हमारे डीएनए के सीक्वेंस को जो है ये चेंज करने का काम करते हैं, हमारे जो यहाँ पर जीन्स होते हैं उनको चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या है, वो है यहाँ पर टेराटोजेनेसिटी, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है थालीडोमाइड, ठीक है। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द एडिपोज टीस्यू इन फाउंड इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड, ठीक है। तो नवजात बच्चों में कौन सा जो है वो एडिपोज टीस्यू पाया जाता है, तो इसमें जो है वो ब्राउन फैट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही है। और ब्राउन फैट काम क्या करता है, ये बच्चे को जो है वो यहाँ पर गर्मी देने का काम करता है, ठीक है। ब्राउन एडिपोज टीस्यू इज द मेजर साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस इन न्यू बॉर्न, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है, और कल भी जो है वो हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी के साथ में ESIC फार्मासिस्ट 2019 में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। और प्लेलिस्ट में जो है, और जो यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया हुआ है, तो सभी वीडियो को आप जरूर से देखें। उसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं सभी के बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं वो MCQ जो हैं वो उन सभी क्लासेज में कराए गए हैं। तो आप उन सभी क्लासेज को जरूर से देखें, जरूर से जो है वो ज्वाइन करें। साथ में अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को भी जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और जो एम्स फार्मासिस्ट का बैच है आप उसमें जरूर से एनरोल करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।